जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। देखिए नमस्कार, केपीटी भारत न्यूज चैनल आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि पांडे। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की ओर। देवियापुर के मंदिर में हो रहा निर्माण कार्य पर लोगों ने जताया विरोध। औरैया के देवियापुर कस्बे में गुंजन टाके चौराहे पर एक प्राचीन शिव मंदिर के परिसर को तोड़कर निजी दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था। लेंटर डालने को लेकर सर्चिंग लगा दी गई थी। इस मामले को संज्ञान में लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस फोर्स से बात की, जिस पर अमल करते हुए जिला प्रशासन के अधिकारी पुलिस फोर्स सहित पहुंचे और निर्माण कार्य बंद करा दिया गया। मोहल्ले के लोगों ने भी निजी निर्माण पर विरोध जताया था। बता दें कि देवियापुर के नहर बाजार के निकट गुंजन टाके चौराहे पर दर्शकों पूर्वा शिव मंदिर है। सार्वजनिक मंदिर पर कस्बे के लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। मंदिर परिसर के निर्माण में परिसर छोड़ा गया था। कुछ लोग अपना स्वामित्व दिखाकर निजी दुकान बनाना चाह रहे थे। लेंटर डालने की तैयारी शुरू की गई थी। मामले को ADS रेखा एस चौहान ने गंभीरता से लेकर जन भावनाओं के हित में जांच करने के काम रुकवाने के आदेश दिए। रविवार को SDM तहसीलदार सुरेंद्र यादव देवियापुर थाना अध्यक्ष विकास राय पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और कार्य को बंद कराया। लोगों ने बताया मंदिर सार्वजनिक है। लेखपाल अभिनव राजपूत ने कहा, यह मंदिर ग्राम पंचायत उमरी के गाटा संख्या 2376 क्षेत्र में बना है। जगह पर किसी का स्वामित्व नहीं है। जांच कर कागज की तलाशी की जा रही है। मौके पर चेयरमैन अरविंद पोरवाल पैरवी के लिए पहुंचे, जबकि सारी हकीकत चेयरमैन की जानकारी में है, लेकिन फिर भी एक बार का विरोध करना चेयरमैन की फिरकत बन गई है। चेयरमैन के इस कारनामे से लोगों में काफ़ी आक्रोश है, जो चेयरमैन के फैसले को सरासर गलत बता रहे हैं और लोगों का भारी विरोध भी झेलना पड़ा। प्रशासन ने चेयरमैन को स्पष्ट कह दिया कि बिना कागजात के कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा। मोहल्ले के लोगों ने निजी निर्माण के विरोध में लिखित शिकायत भी दी। SDN मनोज कुमार ने कहा, जो भी मंदिर की जमीन पर दावा कर हैं उनसे कागज मांगे गए हैं। जनपद औरैया से ब्यूरो चीफ संतोष कुमार पांडे की रिपोर्ट। एक और अनुरोध है आपसे, उसमें सिलापट वगैरह लगी, आप उसका यार प्रूफ नहीं करती है, सिलापट प्रूफ नहीं करती है कि वो जमीन इनकी। सिलापट तो अभी हम लगवा दे, इसका मतलब मेरी जमीन नहीं है। ऐसे नहीं है कि नियम हो जाएगा। SDM करेंगे, समय लगता है ना? नहीं बिल्कुल, हमें कोई जल्दी में नहीं है। नहीं कह रहा हूँ ना, संज्ञान में आया है। स्थल पर देखा गया इनके सारे पेपर्स लिए जा रहे हैं। जो लोग दावा कर रहे हैं कि हमारा निजी है, इनसे बताया गया कि अपने पेपर्स ले आए, इनके घर जा देखने के बाद जो भी होगा।